वैसे अगर सच कहूँ तो लोग अभी तक सावधान नहीं है। इन लोगों को देखिए, चाय पीना है इन लोगों को। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज लॉकडाउन का 23वां दिन है और मैं करीब करीब आज घर से 14 दिन बाद निकला हूँ। थोड़ा इमरजेंसी कुछ सामान लाने जाना है, सो मैंने सोचा कि रास्ते का क्या हालत है या लॉकडाउन में क्या हालत है वो भी मैं एक बार आपको दिखा दूँ। सारी दुकानें लगभग बंद है, एसेंशियल कुछ एक दुकान छोड़ के सारी की सारी दुकानें बंद है। और यहाँ पे ये एक्चुअली में ये जो आप भीड़ देख रहे हो, लोग यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि ये हमारा यूनाइटेड बैंक का ब्रांच है, तो यहाँ पे लोग सारे जमा हुए हैं कोई पैसा निकालने के लिए या फिर कोई और एसेंशियल काम होगा उसी के लिए। बाकी सड़कें इस टाइम पे, मतलब हमारे टाउन में सड़कें इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा खचाखच भीड़ से भरी हुई रहती है, उस हिसाब से लोग कम निकल रहे हैं घर से। लेकिन अभी भी मतलब लोगों में जितना जागरूकता होनी चाहिए इस चीज़ को लेके या फिर जितनी सावधानी बरतनी चाहिए, लोग उतना सावधानी बरत नहीं रहे हैं। तो एक बार चलते हैं, देखते हैं क्या हालत है। ज़्यादातर लोग अभी मास्क यूज़ कर रहे हैं और ये है हमारा जो एरिया है, उस एरिया का जो मेन चौक है रत्तला मोड़, तो इस जगह को रत्तला बोलते हैं। सो ये वाला हमारा जो एरिया है, एरिया का एटीएम है एक्सिस बैंक का, लोग देखो एक से मतलब 2 फीट की डिस्टेंस बना के खड़े हुए हैं और पीछे से पुलिस की एक गाड़ी आ रही है, तो इन लोगों को थोड़ा जाने देते हैं, साइड दे देते हैं पहले। एक्चुअली मैं जो निकला हूँ घर से तो उसका कारण है कि मुझे थोड़ी दवाइयाँ लेनी है। तो ये आ गई दवाई की दुकान, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रोक लेते हैं गाड़ी। दुकान के अंदर तो अभी काफ़ी भीड़ है, तो बाहर ही रुकते हैं और लोग 1 से 2 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके ही रुक रहे हैं यहाँ पे। तो बाहर वेट करते हैं जब तक कि हमारी बारी नहीं आती। ट्रोलोमेट एक्सेल 25 दूपा तो दियो, नहीं रात्रे कोटा है 7 ठीक है। আর ওই গ্লাভস গুলো আছে গো, হ্যান্ড গ্লাভস গুলো দাও দাও দাও, একদিন কিছু দিতে যাবে যাবে না, তাহলে থাক চলাচল। दवाई तो अभी मिली नहीं, तो दूसरी एक जगह पे अभी देखने के लिए जाना है वहाँ पे मिलती है या नहीं, क्योंकि एसेंशियल दवाई है प्रेशर का। इन हालतों में जितना कम घर से बाहर रहा जाए उतना ही अच्छा है, लेकिन अभी अगर दवाई नहीं मिलती है उसको ढूंढने के लिए तो जाना ही होगा। तो चलिए देखते हैं और थोड़ा आगे जाके कहाँ पे मिलता है। वैसे अगर सच कहूँ तो लोग अभी तक सावधान नहीं है, मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि चाय पीने के लिए, ये देखिए इन लोगों को, देखिए चाय पीना है इन लोगों को। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी इस सिचुएशन में भी चाय पीने के लिए या फिर सिर्फ गप्पे लड़ाने के लिए बाहर निकल गए हैं। ये वाला एटीएम का एरिया देखिए, ये हमारा SBI है स्टेट बैंक, इतना ज़्यादा भीड़ करके रखा हुआ है इन लोगों ने, मतलब कि जब तक ये महावरी और ज़्यादा नहीं फैल जाती है तब तक तो पार्टी करते रहना है। ये मेन मार्केट एरिया है हमारे टाउन का, तो अभी नॉर्मली दूसरे दिन से जितना भीड़
मतलब दूसरे दिन जितना भीड़ होता है उससे तो काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं बाहर में। देखते हैं यहाँ पे अगर दवाई नहीं मिलती है फिर तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब प्रोलोमेट एक्सेल 25 टच है। तो दवाई यहाँ पे भी नहीं मिली, अभी तो बाकी सारे दुकानें भी बंद है और एक दुकान खाली है, वहाँ पे थोड़ा देखना होगा अभी भी। जिन लोगों को हाई प्रेशर या लो प्रेशर की बीमारी है वो लोग जानते हैं कि ये वाली जो दवाई है प्रोलोमेट एक्सेल 25, ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होती है जो इस बीमारी के शिकार हैं उनके लिए। यहाँ पे फ्रैंक रोज का एक और है, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा देख लेता हूँ। यहाँ पे तो कम से कम ऐसा सिस्टम है, जो दवाई की दुकान है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक साथ एक या दो आदमी के, मतलब दो आदमी से ज़्यादा ये लोग अंदर नहीं जाने दे रहे, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा प्रोलोमेट एक्सेल 25 तो है दादा, देखिए एक तो ये वाली दवाई की सप्लाई कहीं पे भी नहीं है। 3-4 दुकानें देख ली तो अभी तो नहीं मिल रही है, अभी एक ही दुकान बचा है हमारे पूरे एरिया में जहाँ पे ये दवाई मिल सकती है। कैमरा मैंने जानबूझ के ऑफ नहीं किया ताकि जो एक्चुअल सिनेरियो है वो आपको पूरा दिखे कि जहाँ पे पीएम सीएम सब मिलके ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे लोगों का क्या रिएक्शन है। यहाँ पे देखो पूरा भीड़ लगा के खड़े हुए हैं। बोल जी प्रोलोमेट एक्सेल 25 ताज है? प्रोलोमेट एक्सेल 25 আর হ্যান্ড গ্লোভস আছে গো? হ্যান্ড গ্লোভস গুলো আছে? তো এট লাস্ট यहां से तो दवाई मिल गई, अभी जो काम था वो तो हो गया, घर की तरफ चलते हैं। लेकिन जो मैं आपको सिनारियो दिखा रहा हूँ एक्चुअली यही ओरिजिनल सिनारियो है मेरे टाउन का, और आई थिंक मोस्टली वेस्ट बंगाल के जितने भी पार्ट है वहाँ पे भी यही कॉमन सिनारियो है कि लोगों में अभी तक सीरियसनेस बिल्कुल नहीं आया, बहुत ज़्यादा कैजुअल अप्रोच है लोगों का कोरोना की तरफ। मतलब कि पूरा दुनिया तबाह हो रहा है एक वायरस से, और यहाँ पे देखो ये लोग यहाँ पे देखो चाय पी रहे हैं ये लोग। यहाँ पे गप्पे लड़ाए जा रहे हैं। तो भैया ये वाले वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। ये वाला एक छोटा सा अपडेट था मेरे होम टाउन के बारे में कि लॉकडाउन
कैसे ये लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं उसके बारे में। ज़्यादा कुछ दिखाने का था नहीं, बस इतना ही बताने का था कि इन लोगों की तरह मत बनो, थोड़ा सेंसेबल बनो। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, आ गया मेरा घर, सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय।